अगर पहली पारी की बात करें तो विराट कोहली की टीम आरसीबी को आईपीएल 2020 में नया सितारा मिल गया है। देवदत्त पडिक्कल नाम के इस युवा स्टार ने आईपीएल 2020 के अपने पहले ही मैच में तेवर दिखा दिए हैं। कप्तान विराट कोहली को भी पूरा भरोसा है, तभी तो उन्होंने आईपीएल 2020 के पहले ही मैच में देवदत्त पडिक्कल को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी। 20 साल के देवदत्त पडिक्कल को जैसे इसी मौके का इंतजार था, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 50 ठोक दी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 163 रन बनाए। बेंगलोर के लिए डेब्यू कर रहे देवदत्त पडिक्कल ने 56 रन और एरोन फिंच ने 29 रन के साथ अच्छी शुरुआत की। इसके अलावा एबी डिविलियर्स ने 51 रनों की पारी खेली, वहीं विराट कोहली ने 14, शिवम दुबे 7 और जोशी फिलिप 1 ही रन बना सके। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा, टी नटराजन और विजय शंकर ने 1-1 विकेट हासिल किया। अगर दूसरी पारी का बात करें तो जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही थी। टीम के 18 रन के स्कोर पर डेविड वार्नर 6 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे थे। इसके बाद मनीष पांडे और जॉनी ब्रेस्टो ने टीम के लिए 71 रन की साझेदारी की थी। हालांकि इस साझेदारी के बाद सनराइजर्स की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई और पूरी टीम 19.4 ओवर में 153 रन के स्कोर पर ही आउट हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे ज़्यादा 43 गेंदों पर 61 रन की पारी जॉनी ब्रेस्टो ने खेली, वहीं टीम के लिए 33 गेंदों पर 34 रन मनीष पांडे ने बनाए हैं। आरसीबी के लिए यजुवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी की और अपने 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर कुल 3 विकेट हासिल किए। दरअसल इस मैच में कैप्टन डेविड वार्नर ने प्लेइंग 11 का चयन सही नहीं किया और केन विलियमसन व मोहम्मद नबी जैसे स्टार खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर बैठा दिया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं सनराइजर्स की टीम को भुगतना पड़ा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।